सो आज एसपावर ने गॉड लाइक मैक को पैन कर दिया था, जिंदा पैन। तो उस पर यहाँ पे जरी कुछ रिप्लाई करते हैं, वो बताऊंगा क्या है। साथ में जॉनथन अभी क्यों नहीं खेल रहे हैं गॉड लाइक से, और ESL में क्या लाइनअप होने वाला है गॉड लाइक का, तो बात करते हैं। और साथ में घातक भाई ने कुछ ट्वीट किया है, बट पहले बात करते हैं जो पैन किया गया है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो अब तक का टूर्नामेंट चल रहा है लोगों का पैट्रियॉट कप, तो लास्ट मैच में 4v1 का सिचुएशन हो जाता है जहां पे सोल के मेंबर्स थे और गॉडलाइक का फाइट हुआ था, जिसमें यहां पर ये लोग जिंदा पैन कर देते हैं, मतलब एसपावर करता है। तो जल्दी रिप्लाई करते हैं कि कोई इसमें हेट उट मत दो, मतलब बहुत सारे लोग है ही ऐसे, मतलब कुछ बच्चे हैं जो इसको सीरियसली लेने लगते हैं। तो जल्दी रिप्लाई करते हैं कि चिल करो, एंजॉय करो, हम लोग भी वहाँ पे पूरा हंसने लगे थे जब वहाँ पे फाइट हुआ था, मतलब वो चोक कर गया था जब मैं यहाँ पे 2 DBS शॉट मिस कर दिया, तो इसलिए उसको यहाँ पे पैन पड़ गया था। बट वो लोग फन वे में लिए और तुम लोग भी फन में लो, ऐसा यहाँ पे चली ने कहा, और चिल है भाई, गेम का सीन गेम तक रहने दो। और भाई यही बात है यार, पैन उन तो चलता रहता है, गेम का पार्ट है। आज यहाँ पे सोल की है, कल गॉड लाइक भी कर सकते हैं, तो इन्जॉय करो, कोई किसी को हेट मत दो। एंड अब बात करते हैं कि जॉनथन क्यों नहीं खेल रहे। आप लोग देखेंगे जो भी यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है 2-3 दिन से, जॉनथन नहीं खेल रहे हैं क्योंकि जॉनथन का तबीयत खराब है। नियो भी जब स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे वो भी क्लियर करते हैं कि जॉनथन स्ट्रीम भी करने वाले थे। आप लोग शायद देखे होंगे जॉनथन ने कुछ दिन पहले अपना इंस्टा में स्टोरी लगाया था कि वो लाइव आने वाले हैं, शायद संडे को आने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही उनका तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए वो घर पे अभी है और रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी वो रिकवर हो रहे हैं। तो शायद से मलेरिया है या कुछ है, मैं फिक्स नहीं हूँ, पर हाँ तबीयत खराब है। एंड फिर साथ में कुछ लोग पूछ रहे थे ESL का क्या लाइनअप होगा, और हाँ जो ESL है वो फ्राइडे से संडे होता है, कुछ लोग मुझे अभी भी कमेंट करके पूछ रहे हैं। भाई मैं कितना बार बताऊं, खैर ESL में इस बार यहाँ पे जैन ने बोला कि आदित्य को कुछ काम है, वो अपना घर जाने वाला है, कुछ का घर का कुछ काम होगा, इसलिए वो नहीं खेलने वाले हैं। जो बाकी 4 प्लेयर है, जी गॉड होंगे, जॉनथन, मैक और जेली, वो 4 खेलने वाले हैं इस बार। और ये लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपना प्लेइंग में, आपको पता है बहुत सारे चेंजेस हो रहा है, जैसे अभी पॉइंट्स टेबल भी चेंज हो रहा है कि अब यहाँ पे अपथर्स में जैसे जो यहाँ पे टूर्नामेंट है उसमें 10 पॉइंट सिस्टम हो चुका है, तो ऑब्वियसली हर एक टीम को एग्रेसिव खेलना है, तो ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं घातक भाई के बारे में, तो देख सकते हो घातक भाई ने एक ट्वीट किया था, इन द BGMI इकोसिस्टम आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु हैव नॉट बीन कंपेंसेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर एनी वन ऑफ द प्लेयर हु हैव फॉलन प्रे टू द सेम, रीच आउट टू मी, योर आइडेंटिटी विल रिमेन एनोनिमस इवन इफ ऑर्गेनाइजेशन हैव फॉलन प्रे टू प्लेयर्स नॉट रिस्पेक्टिंग देयर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज लेट मी नो, टाइम टू ब्रिंग अबाउट अ स्ट्रक्चर इन दिस इकोसिस्टम। तो यहाँ पे यही सीन है कि बहुत सारे आपको सीन पता होगा, बहुत पहले भी ये चीज़ हो चुका है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जब भी प्लेयर लेफ्ट करते हैं या फिर प्लेयर जब खेल रहे होते हैं उस टीम उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो लोगों को पैसा या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं प्रोवाइड करते, नहीं देते हैं, और ये बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हो चुका है, बट वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते ऑब्वियसली यहाँ पे वो लोग डर के कारण। तो इसलिए यहाँ पे घातक भाई ने बोला है कि अगर कोई ऐसा प्लेयर है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो सामने से आके घातक भाई को अप्रोच करे, तो हो सकता है कि ऐसा कोई सीन हम लोग को देखने को मिले, और ये एक अच्छा स्टेप है जिससे प्लेयर्स लोगों को मदद हो पाएगा। तो होप करते हैं कि आप जो भी होगा वो सॉर्ट हो जाए। चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मुझे पता था ये न्यूज़ के बारे में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।